IC 814 हाईजेक हुए प्लेन के पायलट ने बताई शो में ये दो बड़ी गलतियां, रियल में नहीं हुई थी, स्क्रीन पर दिखी ये दो चीजें। 1999 में जब काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को हाईजेक किया गया तो इसके पायलट कैप्टन देवी शरण थे। नेटफ्लिक्स के शो में विजय वर्मा ने उनका किरदार निभाया है। अब देवी शरण ने बताया है कि शो में दो ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो रियल में नहीं हुई थी। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज IC 814 द कंधार हाईजेक 29 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। इस शो को जहां जनता ने काफी पसंद किया, वहीं इसे लेकर विवाद भी छिड़ गया। शो को लेकर छिड़ा विवाद यहां तक पहुंच गया कि सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को दिल्ली तलब किया और उनसे जवाब मांगा। एक तरफ जहां शो को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ा हुआ है, वहीं अब हाईजैक करके कंधार ले जाए गए प्लेन के रियल पायलट ने शो में दो गलतियां बताई हैं। रियल पायलट ने बताई ये गलतियां। 1999 में जब काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को हाईजैक किया गया तो इसके पायलट कैप्टन देवी शरण थे। नेटफ्लिक्स के शो में विजय वर्मा ने उनका किरदार निभाया है। अब देवी शरण ने बताया है कि शो में दो ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो रियल में नहीं हुई थी। शो में प्लेन के कंधार पहुंचने के बाद जब उसके टॉयलेट बुरी तरह चोक हो जाते हैं तो पायलट बने विजय वर्मा खुद जाकर प्लम्बिंग लाइन को क्लियर करते नजर आते हैं, और जब वो ये काम करके वापस लौटते हैं तो सभी यात्री तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं। लेकिन ये चीज रियल लाइफ में नहीं हुई थी। द टेलीग्राफ से बात करते हुए IC 814 के रियल लाइफ पायलट ने बताया, मैंने खुद प्लम्बिंग लाइन नहीं रिपेयर की थी, उन्होंने तालिबान अथॉरिटी ने एक वर्कर को भेजा था। मैं उसे अपने साथ लेकर नीचे एयरक्राफ्ट होल में लेकर उतरा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि लाइंस कहाँ हैं। शो में एक और सीन है जिसमें हाईजैक खत्म होने के बाद बाहर निकल रहे पायलट को विदेश मंत्री बने सीनियर एक्टर पंकज कपूर सैल्यूट करते हैं। शरण ने बताया कि रियल लाइफ में ऐसा सीन भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, उन्होंने एक जेस्चर जरूर किया था जो हमारे एफर्ट्स की सराहना जैसा था, असल सैल्यूट की बजाय। IC 814 शो में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट में हाईजैक करने वाले आतंकी पूरी घटना के दौरान अपने रियल नामों की बजाय कोड नेम इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। ये नाम है बर्गर, चीफ, शंकर और भोला। सोशल मीडिया पर जनता ने IC 814 में हाईजैकर्स के हिंदू नामों को लेकर आपत्ति जताए और आरोप लगे कि ये आतंकवादियों के रियल नाम छिपाने की कोशिश है। वेब सीरीज को लेकर छिड़े विवाद के बीच सोमवार को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को दिल्ली में समन किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट हेड को मंगलवार को समन किया है और उनसे IC 814 के कथित विवादास्पद पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगा।